देखो अब की बार ध्यान दो, रिपीट कौन हो रहा है? 3 4 34 रिपीट हो रहा है ना, 3 4 तीन चार तीन चार, रिपीट कौन नहीं हो रहा? दो नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? देखो वैसे मैंने जनरली पहले बता रखा है, क्या तुम्हें याद होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट देखो ध्यान दो, बेसिक से बताते हैं एक बार। देखो भाई मैंने इसको 10 से गुणा करके देखा, 10 से गुणा करूंगा ये 10x हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2.34 34 34, ऐसा चलता जाएगा। क्लियर है? क्या काम बना कुछ इसमें से? इसको घटाएंगे काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये पॉइंट 34 है, पॉइंट 23 है, काम नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने 10 से फिर से गुणा किया तो इधर तो क्या आ जाएगा? 100x। इधर क्या आ जाएगा? 23 पॉइंट, ये क्या बन गया आपकी बार? 43। और आगे भी 43 आएगा, आगे भी क्या आएगा? 43। ऐसे ही आता रहेगा ना भाई, ये पॉइंट यहां से यहां आ गया तो पॉइंट 43 43 43 ही तो बन जाएगा। बताओ सही है क्या? काम बना क्या कुछ इसमें से? इसको घटाऊंगा तो भी काम नहीं बन रहा है, पॉइंट 23 है। इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी काम नहीं बन रहा है, ये पॉइंट 34 है जबकि ये 43 है। तो एक बात काम करो, एक बार और गुणा कर दो 10 से, तो एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ये इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 234.34। और आगे भी क्या आएगा? 34, आगे भी 34 आता चला जाएगा। क्या बताओ किस में से किसको घटाऊं काम बन जाए? तीसरे में से, सॉरी चौथे में से दूसरे को, है ना? ऐसे ही देखो, यहाँ तो पॉइंट 43 है, ये पॉइंट 34 है, काम नहीं बन रहा। ये देखो पॉइंट 23 है, नहीं बन रहा। तो ये पॉइंट 34 34 है, यहाँ भी पॉइंट 34 34 है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो काम बन जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो भाई घटा रहा हूँ, 1000 में से 10 चला जाएगा, माइनस कर दिया, 1000 में से 10 गया तो क्या बचा? 990। आपकी बार भी 1000 में से 10 जा रहा, 999 बच रहा है तेरा। इसमें से आप इसको घटाओगे, आप लोग इसको घटाओगे तो पॉइंटों से पॉइंट वाला डाटा तो साफ हो जाएगा। 234 में से कौन घटेगा? दो घटेगा। 234 में से कौन घटेगा? दो। ध्यान दो, एक्स का मान हमें निकालना है, तो एक्स बराबर देखो 234 माइनस दो और बटे में कौन आ जाएगा बताओ? 990। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्स बराबर ना 232 और बटे में कितना? 990 आएगा। दो से काट लो, दो से कट रहे तो देखो ये आएगा 116, ये आ जाएगा 445। सही है ना? 2 चौके 8 ना 495, ये कितना आ जाएगा? 495। ठीक है ना भाई? अब देखो बात सुनो, अगर ये सवाल अपने पास डायरेक्ट आएगा, हमें तो डायरेक्ट ही करना है, हमें ऐसे थोड़ी करना है, समझाया है? जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया एक्स बराबर 0.234343, ऐसे आते चला गया। ठीक है भाई? तो देखो भाई हम ये देखेंगे कि भाई कहाँ पे बार लगेगा, हम ये देखेंगे बार कहाँ पे लगेगा। 0.2, देखो 2 पे तो बार नहीं लगेगा क्योंकि तो 2 थोड़ी रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है? 3 4। तो 3 4 पे काल क्या लगा दिया जाएगा? बार लगा दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझे आप? अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, भी इम्पोर्टेंट है ये बहुत है। देखो जो नंबर दिया हुआ होता है ना, उस नंबर को ऐसे कैसे ही लिख दो, यानी मैंने क्या लिख दिया? 234। जो भी नंबर दे रखा है पॉइंट वॉइंट हटा के उसको ऐसे कैसे ही लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे 234 लिख दिया। जिस अंक पे बार नहीं होता ना उसको माइनस कर देते हैं, समझे बात को? जिस अंक पे बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, बटे में जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार क्या आता है? 9 आता है। और जितने अंकों पे बार नहीं होता ना उतनी बार कौन आता है? 0 आता है। एक अंक पे बार नहीं था तो मैंने 1 0 लगा दिया, याद रह जाएगा ना? ऐसे थोड़ी करेंगे। तो देखो ध्यान दे लो, इसे भी आप सोल्व कर लीजिए। आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ना 232 बटे में 990, और आपको पता है जब 200 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 116, और यह जाएगा 495। समझ समझ आया भाई? एक बार देखो, एक एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ ना, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। देखो ध्यान दो, मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है 0.3456, फिर आ रहा है 5 6, फिर आ रहा है 5 6, और ऐसा चलता जा रहा है। देखो मैं इसको लिखूंगा पता है कैसे, कि भाई 0.34 और बार किस पे लगेगा? 5 6 पे। जब इसे सोल्व करेंगे ना तो पूरी संख्या लिखूंगा पहले तो 3456, माइनस कौन होगा? जिस पे बार नहीं है, 34 पे नहीं है, 34 को माइनस कर दूंगा। अच्छा बटे में बताओ कितने 9 आएंगे? 9।
दो बार तो नौ आएगा, जीरो भी कितने आएंगे, दो बार जीरो आ जाएगा। भाई दो अंकों पे तो बार है और दो अंकों पे बार नहीं है, तो जितने अंकों पे बार आएगा उतने तो बटे में नौ आएंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं आएगा उतने बटे में क्या आएंगे, जीरो आ जाएंगे। देखो जब आप इसे सोल्व करोगे ना, देखो भाई 3456 में से 34 घटाना है, तो देखो 56 में से जब मैं 34 घटाऊंगा तो बताओ कितना बच जाएगा, 16 और 6 22 बच गया, यानी 3422 तो ये आ गया, 3422 तो ये आ गया, और बटे में क्या आ गया भाइयों, 9900 आ गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे, दो से कट रहा है, दो से काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, बात समझ रहे हो, एक बार नोट करवाना।